खेल और युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सागर में विभागीय समीक्षा बैठक में भाग लेने अल्प प्रवास पर पहुंची। उन्होंने केंद्रीय जेल में बंदियों के पुनर्वास और रोजगार के लिए संचालित हाथकरघा परीक्षण केंद्र का निरीक्षण किया, जहां कौशल विकास में सहायक संचालित कार्यों को लेकर संतोष जाहिर किया। मंत्री यशोधरा राजे को केंद्रीय जेल में संचालित इस केंद्र की जानकारी मुनि प्रमाण सागर महाराज से मिली थी। इस अवसर पर उन्होंने इस कार्य को संचालित करने में लगी केंद्र के संचालिका को भी बधाई दी। इस अवसर पर हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा एक मांग पत्र भी मंत्री को सौंपा गया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। कितना इनकम हो जाता है अभी तक? हमने उनको 2 साल में 16 लाख रुपए का भुगतान बंदियों को किया। उनका हमारा जो जेल विभाग से अनुबंध हुआ है उसमें हम उनको 60 रुपए मीटर, मतलब 50 रुपए बंदी को जाता है और 8 रुपए जेल पैसे, 60 रुपए मीटर उनको हम भुगतान करते हैं, वो सीधा बंदियों के खाते में जा रहा है। तो अभी हमने 2 साल में 16 लाख रुपए की बंदियों को पेमेंट की है। मुझे बताया इसके बारे में, उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आई हूँ और रेखा दीदी से मैं मिली हूँ। रेखा जी से मैंने संपर्क किया कि मैं कैसे आ सकती हूँ, कहाँ आ सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। तो संजय चौधरी मेरे डायरेक्टर होते थे, तो हमने दोनों से बात करके मैं यहाँ आई हूँ देखने के लिए कि ये भी कौशल विकास की बात होती है। मैं बंदियों को बंदी जैसे नहीं देखती, मैं देखती कि रेखा दीदी यहाँ क्या कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं और कैसा इनका मार्केटिंग हो सकता है। तो कई चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में, मैं आप अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लिया तब तक क्या फायदा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।